हाय, दिस इज विजय एंड वेलकम टू विजय रेसिपीज। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो स्टारबक्स में बहुत ही फेमस है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आज हम बनाएंगे एग बाइट्स की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं एग बाइट्स की रेसिपी। एग बाइट्स बनाने के लिए हमने लिए हैं ये चार एग्स, ये ऑयल, दो आलू को हमने पील कर लिया है और इसे अच्छी तरह से धो के इसे हमने ग्रेट कर लिया। 1 कैप्सिकम या शिमला मिर्च फाइनली चॉप्ड, 1 टमाटो फाइनली चॉप्ड, 1 स्मॉल अनियन फाइनली चॉप्ड, 1 कैरेट को हमने ग्रेट कर लिया है, 1/2 कप कैबेज फाइनली चॉप्ड, 1/4 कप कोरिएंडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड। तो चलिए बनाते हैं एग बाइट्स। हमने गैस ऑन कर लिया है, पैन में डालेंगे ये 3 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये अनियन, 1/2 सॉल्ट, 1/2 हम बाकी सारे वेजेस डालेंगे, ये ग्रेटेड पोटैटो, 1/2 ग्रेटेड कैरेट, 1/2 शिमला मिर्च, 1/2 कैबेज, 1/2 और ये टमाटर। डालेंगे ये हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, अभी लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर देते हैं। इसे कवर कर देंगे और इसे लो फ्लेम में 5 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, लिड हटा देते हैं। हमारे ये वेजेस फ्राई हो गए हैं, गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बाउल में हम ये एग मिक्सचर तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे ये नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, ग्रीन चिलीज, इसे विस्कर से मिक्स कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे ये कोरिएंडर, हमारा ये कुक्ड वेजिटेबल्स का मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब हम ये एग मिक्सचर में इसे ऐड करेंगे।
हम ये अपन पैन को ऑयल से ग्रीस करेंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है। मोल्ड में हम ये एग और वेजिटेबल मिक्सचर ऐड करेंगे। हमने ये अपम पैन को फिल कर लिया है, इसे हम कवर कर लेंगे और इसे लो फ्लेम में कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम ये लिड हटा देते हैं। इसे हम फ्लिप कर देंगे। हमने इसे दूसरी तरफ भी फ्लिप कर लिया है और इसे 2 मिनट तक इसे कुक कर लिया है। 2 मिनट हो गए हैं, गैस ऑफ कर देते हैं। इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। हमारा ये एग बाइट्स की रेसिपी तैयार है। हमने इसे सर्व किया है टमाटो केचप के साथ।